फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि एटीएम कार्ड का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है आजकल का टाइम में। हम किसी शॉपिंग करते हैं तो भी एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आप मार्केट में जाते हैं तो भी हम पॉस मशीन से एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास अभी तक एटीएम कार्ड नहीं है, आप नया खाता ओपन किया या आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है स्टेट बैंक के साथ और आपके पास एटीएम कार्ड अभी तक नहीं है, तो कैसे आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल स्पेशली स्टेट बैंक का कस्टमर के लिए है। इसमें ज़्यादातर वीडियो आपको स्टेट बैंक से रिलेटेड देखने को मिलता है। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ स्टेट बैंक से रिलेटेड, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या तरीका है एटीएम कार्ड लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड लेने का दो तरीका है, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। पहले मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, आपके पास अगर स्टेट बैंक की तरफ से जो योनो SBI ऐप है या योनो लाइट SBI ऐप है या ऑनलाइन बैंकिंग है जिसको इंटरनेट बैंकिंग बोला जाता है, इसमें से कुछ एक भी सर्विस अगर आपके पास है तो आप ऑनलाइन आपका एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योनो ऐप से भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन SBI जो है इंटरनेट बैंकिंग, आप www.onlinesbi.com में लॉगिन करके आपका यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके वहाँ से भी आप आपका जो एटीएम कार्ड है उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें जिसके मदद से आपको ब्रांच विजिट करना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ऑनलाइन SBI में लॉगिन कीजिए या योनो SBI ऐप में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपका ATM कार्ड सर्विस बोल के एक मेनू मिलेगा, वहाँ पे आप जाइए और फिर आपका जो रिक्वेस्ट है ATM कार्ड के लिए वो रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। और रिक्वेस्ट डालने के बाद आपके पास 2 या 3 वीक के अंदर बाई स्पीड पोस्ट आपके पास आपका ATM कार्ड पहुँच जाएगा। और ATM कार्ड पहुंचने के बाद आप आपका ATM कार्ड का पिन नंबर खुद ही जेनरेट कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल प्रोसेस था। कैसे पिन नंबर जेनरेट होता है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर ATM कार्ड आपको मिला है तो। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इसके लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ता है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऑनलाइन ATM कार्ड कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था ऑनलाइन प्रोसेस। और अभी मैं आपको बताऊंगा जो सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड जो तरीका है वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन में आपको क्या करना है, आपको ब्रांच विजिट करना है और ब्रांच जब आप जाएंगे तो आपके साथ आपका जो एक डॉक्यूमेंट है, जो एड्रेस प्रूफ आपका है उसको ले जाना पड़ेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड हुआ, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक आप ले जाइए, आपका जो जेरॉक्स कॉपी है उसको ले जाइए साथ, ओरिजिनल ले जाइए। और ब्रांच में जाने के बाद आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच में जा सकते हैं। और आपका कोई भी ब्रांच जो होम ब्रांच है, ऐसा नहीं कि आप होम ब्रांच से ही कर सकते हैं, आप SBI का किसी भी ब्रांच से आपका ATM कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हो सके आपका जो अकाउंट है वो कोई दूसरा ब्रांच में है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आने वाला है, आप किसी भी ब्रांच से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ब्रांच में जाइएगा, ब्रांच में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक ATM कार्ड रिक्वेस्ट का एक फॉर्म मिल जाता है, उस फॉर्म को ले लीजिए। उस फॉर्म में आपका अकाउंट डिटेल्स, आपका एड्रेस और उस आपका जो सिग्नेचर है उसको आप डाल दीजिए। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी उस फॉर्म के साथ दे दीजिए। फिर आपको ब्रांच में जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको 2 या 3 वीक के अंदर आपके पास ATM कार्ड मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपका जो ATM कार्ड है जब इशू होता है तो आपको एक स्पीड पोस्ट का नंबर दिया जाता है, उस स्पीड पोस्ट नंबर आपका मोबाइल में जो रजिस्टर फ़ोन नंबर है उस रजिस्टर फ़ोन में जाता है। आप उस स्पीड पोस्ट नंबर से आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ATM कार्ड कहाँ तक आया है, उस हिसाब से आप आपका जो पोस्टल पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस में बात कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप जाइए उस नंबर को लेकर, तो आपको जो ATM कार्ड है वो मिल जाता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो ATM कार्ड है इसको स्पीड पोस्ट में भेजा जाता है, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको खुद आके आपका घर में दे देगा। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीका था ATM कार्ड अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ATM कार्ड अभी तक नहीं है तो आप ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे हमेशा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताया कि कैसे आप ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपका फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव जो भी है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। और आप अपना जो सोशल मीडिया वॉल है उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं,
तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।